हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 351 कलश की निकली शोभा यात्रा, उमड़ा जन सैलाब, श्री चार भुजा नाथ प्रतिष्ठान नव दिवसीय महोत्सव, मोही कस्बे में कच्चलिया तेली समाज की ओर से आयोजित नव दिवसीय चार भुजा नाथ का नवनिर्मित मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत भगवत कथा में श्रद्धालुओं की खासी भीड़ रही। इसके साथ ही रविवार को 351 कलश की शोभा यात्रा व हरिबोल प्रभात फेरी निकाली गयी, जिसमे हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। शोभा यात्रा में बैंड बाजों के भगवान के भक्ति भजनों की धुन पर नाचते गाते हुए भगवान के जयकारे लगाते हुए पूरे गांव के धर्ममय बना दिया। शोभा यात्रा के दौरान गांव के ग्रामीणों द्वारा जगह जगह पर भगवान ठाकुर जी के विवाण पर पुष्प वर्षा की व भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद 12:15 से 4 बजे तक समाज के सामुदायिक भवन के सामने श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन हुआ। कथा के दौरान राम स्नेही राम द्वारा केलवा संत श्री निर्मल राम ने चौथे दिन गजेंद्र मोक्ष समुद्र मंथन देवासुर संग्राम प्रभु का वामन अवतार मत से अवतार राजा हरिश्चंद्र एवं सागर की कथा गंगा जी का पृथ्वी पर पधार ना एवं श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। श्रीमद् भगवत गीता सप्ताह कथा के मूल पाठी एवं 9 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के यज्ञ प्राचार्य ज्योति रविंद्र पंडित जगदीश चंद्र खंडेलवाल ने बताया, प्राण प्रतिष्ठा हेतु कार्यक्रम तहत 10 अप्रैल को प्रातः काल से ही श्री हेमा प्रायश्चित स्नान, श्री महागणपति पूजन, कलश यात्रा, मंडप प्रवेश, श्री मातृका पीठ, ब्रह्मांड पीठ, वास्तु पीठ, योगिनी शेतपाल पीठ, सर्वतो व्रत मंडल पीठ, स्थापना ब्राह्मण वर, अग्नि स्थापना, नवग्रह स्थापना, पूजन हवन प्रारंभ व मूर्तियों अनिवास किया। कार्यक्रम में मोही के अलावा भाटोली राजावास ओड़ा, नवलपुरा केलवा, कोशीतल देवपुरा, पीपली आचार्य, शहीद दूर दूर दराज के हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। जागरूक टीवी के राज संबंध से नरेंद्र सिंह खंगारोत की रिपोर्ट।